डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य कक्षा 12 पाठ 11 गणानंद का कवित्व नंबर 1। सबसे पहले बात करें इस पद के संदर्भ की, तो इस पद का जो संदर्भ है वह इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि गणानंद द्वारा रचित है। इस अंश को हमारी पाठ्य पुस्तक में कवित्व शीर्षक से संकलित किया गया है। इसके प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग इस प्रकार रहेगा। कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है कि सुजान के दर्शन के लिए ही ये प्राण अब तक शरीर में अटके हुए हैं। प्राणों की इसी व्याकुलता का वर्णन कवि ने इस छंद में किया है, इस कवित्व में किया है। बात करें इसकी व्याख्या की प्रारंभिक पंक्तियों की, तो व्याख्या की प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार रहेंगी। रीति काल की, रीति मुक्त या फिर स्वच्छंद काव्यधारा, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा लिख सकते हैं या रीति काल की स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद अपनी प्रेयसी सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। ये कह रहे हैं गणानंद अपनी प्रिय सुजान से, कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे ये प्राण आपके दर्शन की लालसा में ही अटके हुए हैं, अन्यथा कब के शरीर छोड़कर निकल गए होते। ये कह रहा है कि आपके आने की जो अवधि है बीत गई है, पर ये प्राण निरंतर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी बाट जोते रहते हैं। यहां कहना चाहते हैं कि बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, कि जैसे ही आपके आने की अवधि पास आती है, बहुत दिन बीत गए हैं आप नहीं आए हैं, जैसे ही आपके आने की अवधि पास आती है, खरे अर बरनी भरे हैं उठी जान को, ये प्राण हैं आपके दर्शन की लालसा से छटपटाने लगते हैं। ये जो प्राण हैं ये आपके दर्शनों की जो लालसा है वो उससे छटपटाने लगते हैं। अरबरनी का मतलब होता है घबराहट होना, अरबरनी का अर्थ होता है घबराहट होना, और खरे का मतलब होता है अत्यधिक। यहां कहना चाहते हैं कि ये प्राण आपके दर्शन की लालसा से छटपटाने लगते हैं और इनकी घबराहट अत्यधिक बढ़ जाती है। खरे अरबरनी, इनकी जो घबराहट है ये अत्यधिक बढ़ जाती है। सुजान, आपके ये जो मेरे प्राण हैं, आपके आने की जो अवधि जैसे ही समीप आती है, आपके दर्शनों की जो लालसा है वह अत्यधिक बढ़ जाती है। आपके दर्शनों की लालसा में ये जो मेरे प्राण हैं ये छटपटाने लगते हैं, और आगे कहना चाहते हैं कि इनकी घबराहट अत्यधिक बढ़ जाती है। खरे अरबरनी, इनकी घबराहट है वह अत्यधिक बढ़ जाती है। आगे कह रहे हैं कि कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सम्मान को। वह कहती है कि आपको क्या पता कि मैं किस प्रकार आपके आने की बात कह कहकर इन्हें तसल्ली देता हूं। गणानंद कहते हैं कि कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन की, कि आपके आने की बात कह कह करके मैं इन्हें तसल्ली देता रहता हूं। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन की, जो आपका जो मन भावन है वो सुंदर जो प्रिय है वह जल्द ही आएगा, ये बात कह कह करके मैंने तसल्ली देता हूं। गही गही राखती ही दे दे सम्मान को, तथा ये प्राण शरीर में रुक पाते हैं। जब मैं तसल्ली देता हूं तभी ये प्राण शरीर में रुक पाते हैं, अन्यथा कब के निकल गए होते। ये कह रहा है कि गही गही राखती ही दे दे सम्मान को, कि मैं इस प्रकार आपके इस प्रकार मेरे प्राणों को है ये तसल्ली दे करके मैं रखी हुई हूं, तसल्ली दे दे करके मैं इन्हें अपने शरीर में बनाए रखी हुई हूँ, रोके रखी हुई हूँ। दे दे सम्मान को, बहाना बना बना करके, सम्मान का मतलब होता है आदर, आदर दे करके, सम्मान दे करके। ये कुल मिलाकर बात गणानंद ये कहना चाहते हैं कि आपके आने की बात कह कह करके मैं इन्हें तसल्ली देता हूँ, और तब ये प्राण शरीर में रुक पाते हैं, अन्यथा कब के निकल गए होते। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन की, आपके आने की बात कह कह करके मैं इन्हें बड़े आदर के साथ तसल्ली देता रहता हूँ, बड़े आदर के साथ मैं इन्हें अपने शरीर में पकड़ कर रखता हूँ, वरना ये कब के ही मेरे शरीर से ये प्राण निकल गए होते। आगे कहते हैं गणानंद, झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हवे के,
अब ना घिरत गन आनंद निदान को। ये कहते हैं कि आपकी झूठी बातों का अब इन्हें विश्वास नहीं रहा है। झूठी बतियानी बतियानी बातें, पतियानी पतियानी विश्वास थे। गणानंद कहते हैं कि हे सुजान, आपकी झूठी बातों का अब इन्हें विश्वास नहीं रहा है। विश्वास उठ गया है आपकी झूठी बातों पर से। उन झूठी बातों से ये निराश और उदास होने लग गए हैं, रहने लग गए हैं। ये कह रहे हैं कि झूठी बतियानी की पतियानी, कि आपकी झूठी बातों पर से इनका विश्वास है वह उठ गया है, और अब ये विश्वास उठ जाने के कारण अब ये निराश हो गए हैं, उदास रहने लग गए हैं। अब ना गिरत घन आनंद निदान को, ये झूठी बातों से निराश और उदास होने के कारण अब इन प्राणों को प्रसन्नता नहीं होती है। कह रहे हैं गणानंद की अब ना घिरत घन आनंद निदान को, कि अब पहले वाली जो इन्हें खुशी है, पहले वाली जो प्रसन्नता है, अब नहीं होती है। आपके नहीं आने से, आपकी झूठी बातों का विश्वास खत्म हो जाने से ये उदास रहने लग गए हैं, और उदास और निराश होने के कारण इन्हें पहले जो प्रसन्नता होती थी, इन प्राणों को जो पहले प्रसन्नता होती थी, इन प्राणों को वह प्रसन्नता अब नहीं होती है। आगे कहते हैं, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। कवि कहते हैं पयान का मतलब प्रयाण करना, प्राण का मतलब प्राण, प्रयाण करना मतलब चले जाना। ये कवि आगे कहना चाहते हैं कि अब तो ये प्राण बस प्रयाण करना चाहते हैं। अधर लगे हैं, अधरों तक आ गए हैं, अधर लगे हैं आने आ गए हैं, करी के पयान प्राण, अब तो ये प्राण हैं प्रयाण करना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। ये अधरों तक आ पहुंचे हैं, अधर लगे हैं आने, ये अधरों तक आने लग गए हैं, अधरों तक आ पहुंचे हैं। अभी ये प्राण हैं बस शरीर से प्रयाण कर जाना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को, आपको अपना ये संदेश सुनाना चाहते हैं कि यदि आपने शीघ्र ही इनकी लालसा पूरी नहीं की, अर्थात अपने दर्शन नहीं दिए, तो ये प्राण अब शरीर में टिकने वाले नहीं हैं। चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को, सुजान आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर इनकी लालसा पूरी नहीं हुई, आपके दर्शन इन्हें इन प्राणों को नहीं हुए, तो ये प्राण अब शरीर में टिकने वाले नहीं हैं। ये प्राण अब शरीर से चलने वाले हैं, निकलने वाले हैं। ये आपके दर्शन की लालसा में ही शरीर में टिके हुए हैं, अन्यथा कब के निकल गए होते। बात करें इस पद के विशेष की, तो इस पद का विशेष है वह इस प्रकार से रहेगा। पहला जो पद है विशेष का, प्राणों की विरह व्याकुलता और प्रियतम के दर्शन की लालसा की मार्मिक अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। कवि की भाषा साहित्यिक ब्रज लाक्षणिकता से युक्त बोधगम्य एवं अंतर्मन को छू लेने वाली है। कवि अपने मंतव्य को प्रकट करने में सफल रहे हैं। कवि के शिल्प विधान में सहजता विद्यमान है। कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवित्त छंद और वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। बात करें स्टूडेंट्स दूसरे कवित की, तो दूसरा कवित इस प्रकार है कि प्रस्तुत कवित है वह हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि गणानंद द्वारा रचित है। इस अंश को हमारी पाठ्यपुस्तक में कवित शीर्षक से संकलित किया गया है। इस कवित के प्रसंग की बात करें तो नायक अपनी करुण पुकार नायिका के कानों तक पहुंचाना चाहता है, पर नायिका उसकी पुकार को सुनकर भी अनसुना कर देती है। वह कहता है कि कानों में रुई डालकर कब तक बहरी बनी रहोगी, कभी न कभी तो मेरी पुकार आपके कान अवश्य खोलेंगे ही। बात करें इसकी व्याख्या की प्रारंभिक पंक्तियों की, तो रीतिकाल की रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद अपनी प्रेसी सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, आना कानी आरसी निहारी वो करोले करोगे कोलो, कहो मो चकित दशा त्यून दीठी डोली है। गणानंद कहते हैं कि हे सुजान, प्रिय मेरी इस पुकार को अनसुना करके कब तक टालती रहोगी, कब तक अपनी आरसी मतलब दर्पण में अपनी छवि देखकर मेरी ओर उदासीन बने रहने का प्रयत्न करोगी। यहां गणानंद कहते हैं कि आनाकानी, आनाकानी का मतलब टालम ट्रोल करना,
आनाकानी का नाम तब टालना, कह रहे कि आनाकानी आरसी निहारी वो करोगे कोलो। यहां कहते हैं कि मेरी पुकार को, गणानक कहते हैं कि हे प्रिय सुजान मेरी पुकार को अनसुना करके कब तक टालती रहोगी, अर्थात कब तक आरसी में अपनी छवि देखकर मेरी ओर से उदासीन बने रहने का प्रयत्न करती रहोगी। आरसी का मतलब दर्पण, दर्पण में अपनी छवि निहारते रहने का बहाना बना करके कब तक मेरी बातों को अनसुना करती रहोगी, टालती रहोगी। आगे कहते हैं कहा मो चकित दशा त्यून दीठी डोली है, आगे कहते हैं कि मेरी दीनहीन दयनीय चकित दशा को देखकर भी तुम कब तक अनदेखा करोगी। ये कहते हैं कि कहा मो चकित दशा, मेरी दीनहीन चकित दशा को देखकर कब तक मुझे अनदेखा करती रहोगी, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि भी न डालोगी क्या। यहां क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, इसका मतलब त्यों न दीठी डोली है कि अपनी दृष्टि मेरे ऊपर कब तक नहीं डालोगी, मेरी दीनहीन चकित दशा को देखकर क्यों नहीं मेरे पर नजर डाल रही हो, कब तक नजर न डालने का बहाना बनाती रहोगी, मेरी दीनहीन दशा पर अपनी दृष्टि कब तक नहीं डालोगी, ये कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं मौन हूं सो देखी हो कितेक पन पाली हो जू, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। यहां गणानंद कहते हैं कि भले ही तुम कुछ न बोलो पर मौन रहकर भी मेरी ओर देखो तो सही। कह रहे हैं कि मौन हूं सो देखिए, कि भले ही तुम कुछ भी मत बोलो मौन रहो लेकिन मेरी ओर देखो तो सही। कितेक पनपाली, मैं देखता हूं कि तुम कितने दिन अपने प्रण का पालन करती हो। कितेक पनपाली हजू, मैं देखता हूं कि तुम कितने एक दिन अपने प्रण का, जो न मेरे से मेरी ओर ध्यान न देने का, मेरी बातों को अनसुना करने का जो आपने प्रण कर रखा है, ये प्रण का पालन कितने एक दिन तक करती हो, मैं देखना चाहता हूं। भले ही मेरी ओर से, भले ही कुछ भी मत बोलो लेकिन मेरी ओर देखो तो सही, भले ही मौन रहो लेकिन मेरी ओर देखो तो सही, आनंद ये कहते हैं। आगे कहते हैं कि कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है, आगे ये कहना चाहते हैं कि मेरी कूक भरी जो मौन वर्ती है पर तुम स्वयं ही बोलने लगोगी। कूक भरी मुक्ता, जो मेरी कूक भरी जो मुक्ता है, जो मेरी कूक भरी जो मौनता है, वह एक न एक दिन तुम्हें बुलाकर ही छोड़ेगी। अर्थात भले ही मैं आपके बारे में आपसे कुछ न कहूं पर आप मेरी स्वीर, वह कहना चाहते हैं कि मेरी जो ये मौन व्यथा है ये आपको एक दिन निश्चित रूप से बुलाकर रहेगी, बुलाकर छोड़ेगी। ये कहना चाहते हैं कि भले ही मैं आपके बारे में आपसे कुछ न कहूं पर आप मेरी इस विरह व्यथा को देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकती और अंततः आपको कुछ बोलना ही पड़ेगा। आगे कहते हैं जान गनानंद यो मोही तुम्हें पेज परी जानिए गो टेक टरे कौन धो मलोली है। यहां कहते हैं कि जान गनानंद कवि, गनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान मेरे और आपके बीच में पेज पड़ गई, अर्थात होड़ ठन गई है। जान गणानंद यो मोही तुम्हें पेज भरी, मेरे और तुम्हारे बीच में है यह पेज पड़ गई है। पेज पड़ने का तात्पर्य है कि होड़ ठन गई है, किसी बात को लेकर होड़ हो गई है, होड़ ठन गई है। जानिए को टेक टरे कौन धो मलोली है, मैं जानिए को टेक टरे, टेक टरे शब्द का अर्थ प्रण का त्यागना। ये आगे कहना चाहते हैं कि अगर आपके न बोलने की जिद ठानी है, कहना चाहते हैं कि अगर आपने न बोलने की जिद ठानी है तो मैंने भी ये जिद ठान ली है कि आपसे कुछ न कुछ बुलवा कर रहूंगा, देखे कौन विजयी होता है। आगे कह के जानिए को टेक टरे कौन दो, कौन विजयी होता है, देखे मैंने भी प्रण कर रखा है कि आपको एक न एक दिन बुलाकर ही छोड़ूंगा, अर्थात इसमें कौन विजयी होता है, इस जो आपके और मेरे बीच में जो ये ठन पड़ी है बात, होड़ ठन गई है, इसमें कौन विजयी होता है। आपकी प्रण के छोड़ देने से ही मेरे मन की जो पीड़ा है, मलोली का मतलब मन का मलाल, मन की पीड़ा, जाने का मतलब समझ में आएगी। आप टेक टरे, आपके प्रण का त्याग करने से ही, आपके प्रण का त्याग करने से ही मेरे मन की जो पीड़ा है, मेरी विरह दशा है, वह समझ में आएगी, देखे इसमें कौन विजयी होता है। आगे कहते हैं गणानंद रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराइबे की, कब हूं तो मेरी ये पुकार कान खोली है। यहां कहना चाहते हैं कि भले ही आप अपने कानों में रुई डालकर बैठी रहो, ये कहते हैं कि रुई दे रहोगे कहां लो बहराव की, अपने कानों में रुई डालकर कहां तक बहरे बनने का नाटक करती रहोगी, अर्थात अपने कानों में रुई डालकर कहां तक मेरी बात अनसुनी करती रहोगी। यहां कहना चाहते हैं
कि कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोली, कि कभी ना कभी तो मेरी करुण पुकार आपके कान खोल ही देगी। अर्थात मेरी पुकार में यदि शक्ति है तो तुम उसकी अवहेलना नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये कहना चाहते हैं कि रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराएवे की, अपने कानों में रुई डाल करके कहाँ तक बहरा होने का बहाना बनाती रहोगी, कहाँ तक मेरी बात अनसुनी करती रहोगी, कभी न कभी तो मेरी जो करुण पुकार है वह तुम्हारे कान खोल ही देगी। अर्थात कभी न कभी तो तुम्हें, मुझे पूरा विश्वास है कि कभी न कभी तो तुम्हें मेरी करुण पुकार सुननी ही पड़ेगी। बात करें इस पद के विशेष की, तो इस पद का विशेष है वह इस प्रकार रहेगा। प्रिय की निष्ठुरता का मरण स्पर्श चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है। कवि की भाषा साहित्यिक ब्रज लाक्षणिकता से युक्त बोधगम्य एवं अंतर्मन को छू लेने वाली है। कवि अपने मंतव्य को प्रकट करने में सफल रहे हैं। कवि के शिल्प विधान में सहजता विद्यमान है। कूक भरी मूकता में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कूक भरी मूकता, कूक भी भर रही है और मूकता भी है, आपस में दोनों बातें विरोधी हैं, इस कारण विरोधाभास अलंकार है। कवित्त छंद और वियोग श्रृंगारस का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से बच्चों आपने गणानंद के दो जो कवित हैं उनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष देखा है। अगले वीडियो में गणानंद के दो सवैयों का आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।